मध्य प्रदेश में मंदिरों के लिए एक बार फिर ड्रेस कोड को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं भोपाल के एक मंदिर में खड़ा हूं, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए हैं मंदिर समिति की तरफ से कि कोई भी श्रद्धालु ऐसे कपड़े पहनकर ना आए जिससे किसी को आपत्ति हो। तस्वीरों में देखिए ड्रेस कोड का बोर्ड लगा हुआ है, साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि यह धर्म स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं है, कृपया परिसर में मर्यादित वस्त्र ही पहनकर प्रवेश करें। छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, स्लीवलेस कपड़े पहनकर आने पर प्रवेश निषेध रहेगा। सभी सनातन धर्मियों से सहयोग की अपेक्षा है। माँ वैष्णो धाम आदर्श नव दुर्गा मंदिर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर में ही इस वक्त मैं खड़ा हूँ और इस तरीके के बोर्ड लगा है। इस निर्देश को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो चुकी है। चूँकि सावन का महीना है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने, उनका पूजन करने तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं और कई बार स्थितियां बिगड़ जाती हैं। कई लोगों को आपत्ति होती है, कुछ लड़कियां स्लीवलेस पहन के आती हैं, शॉर्ट्स पहन कर आती हैं, जिसको लेकर किसी को आपत्ति ना हो ये सोचते हुए मंदिर में इस तरीके का बोर्ड लगाया गया है। अब बात कर लेते हैं मंदिर के संस्थापक चंद्रशेखर तिवारी जी, इस वक्त हमारे साथ हैं। तिवारी जी, बोर्ड लगाने का मकसद क्या है? देखिए, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार ही भारत की पहचान है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कभी आपने डिस्को थे क्या, पब में किसी महिला को साड़ी पहन के जाते देखा? नहीं देखा होगा। जब हम वकील का नाम लेते हैं कि एडवोकेट, वकील, तो हमारे सामने एक तस्वीर सामने आती है कि काला कोट पहने होंगे वकील साहब, नीचे सफ़ेद पैंट पहनी होगी, एक ड्रेस उनका। हम जब बात करते हैं डॉक्टर साहब की, तो डॉक्टर गले में यंत्र टंगा होगा, सफ़ेद कोट पहने होंगे। हम कहते हैं कि पंडित जी आने वाले हैं, तो पंडित जी अगर पैंट शर्ट में आएंगे तो उनको कोई नहीं पहचानेगा, वो आएंगे धोती कुर्ता में पहन के आएंगे, एक दुपट्टा डला होगा, तिलक लगा होगा, त्रिपुंड लगा होगा, शिखाबंदी होगी, वो उनका मर्यादित। और हमारे जो पारंपरिक वस्त्र हैं, उन पारंपरिक वस्त्र को पहन के आइए ना आप। अगर मंदिर में 500 लोगों की कोई कार्यक्रम हो रहा है और 500 लोगों में दो स्त्रियां या दो पुरुष भी, मान लीजिए वो हाफ पैंट इतनी छोटी जिससे कि सारे अंदर के उनके अंग नजर आ रहे हों, वो पहन के अगर आएंगे तो लोग भगवान को देखेंगे कि उन्हें देखेंगे? तो स्वाभाविक है कि मन को भटकाव करने के लिए। और फिर ये ऊर्जा का स्थान है, यहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, यहाँ भगवान की आराधना करने आ रहे हैं, कोई फैशन शो नहीं है, रैंपवॉक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप मर्यादित वस्त्र में आइए, सलवार कुर्ते में आइए, साड़ी में आइए, हम तो कह रहे हैं जीन्स भी पहन के आइए, लेकिन जीन्स आपकी फुल होनी चाहिए, आपकी टी शर्ट तो कम से कम हाफ होनी चाहिए। आप ऐसे स्लीवलेस पहन के आएंगे तो स्वाभाविक है कि आपके अंतरंग जो अंग हैं वो भी दिखेंगे और वस्त्र भी दिखेंगे, जिससे कि हमारी मर्यादाएं भंग होंगी। और हम नहीं चाहते, ऐसे भक्तों की हमें आवश्यकता भी नहीं है। दूसरी चीज़ नवीन जी, ऐसा है कि जब आप इस प्रकार के वस्त्र पहन के आते हैं तो बाहर मंचले आपका इंतजार करते हैं कि लड़कियाँ आएंगी तो हम उनके साथ छेड़ाखानी करेंगे, और जब वो छेड़ाखानी करते हैं तो हिंदूवादी संगठन, संस्कृति बचाओ मंच जैसे लोग लव जिहाद की घटना या उन मंचलों को खदेड़ने के लिए रोड पर आना पड़ता है। भगवान वस्त्र नहीं देखता, लेकिन इंसान तो देखता है, जो मनुष्य प्रवृत्ति है वो तो देखती है। स्वाभाविक है कि मनुष्य अगर वहाँ पर है तो एक, मैं स्वयं, अगर मैं अपनी स्वयं की बात करूँ, आज मुझे आपने अभी क्या संबोधित किया कि व्यवस्थापक पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी, अब पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी शॉर्ट पहन के यहाँ घूम रहे हो और टी शर्ट पहन के, तो आपके जितने लोग देख रहे होंगे वो कहेंगे कि ये पंडित जी हैं, तो मेरी मर्यादाएं हैं, इस मंदिर की मैं व्यवस्था देखता हूँ तो मेरी मर्यादाएं हैं, मैं जब संस्कार देने का प्रयास करूँगा तब तो लोग संस्कारित होंगे। तो मंदिर धर्म स्थल है, पर्यटन स्थल नहीं है, इसलिए सबसे सहयोग की अपेक्षा करी और ये हमने लगाया। मर्यादा की बात बार बार होती है, आधी आबादी को लेकिन आपत्ति होती है, चूंकि प्रगतिशील समाज में हम रह रहे हैं तो उनके कपड़ों पर पाबंदी क्यों? देखिए, वेशभूषा ऐसा है कि जरूरी है, आप वेशभूषा में रहेंगे तो आपको पहचान पाएंगे लोग। अब ब्राह्मण देवता अगर पैंट शर्ट पहनकर मंदिर में बैठने लग जाएं तो कोई बैठने देगा? नहीं बैठने देगा। उनका पहनावा क्या है? धोती कुर्ता, ब्राह्मण का वस्त्र धोती कुर्ता। और अगर मर्यादा भंग करेंगे, जैसे अगर पब में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक ड्रेस होती है, हर एक व्यक्ति की ड्रेस होती है भाई, मर्यादा होती है, तो मंदिर में
जो ड्रेस है कटे वस्त्र वगैरह ऐसा पहन के कुछ भी ना आए। अब महाकाल उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है गर्भगृह में आपने देखा होगा कि ऐसा नियम है कि वहाँ पर धोती कुर्ता मतलब धोती और ऊपर गमछा पहनकर गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता है और पैंट शर्ट में नहीं देते हैं, वहाँ गर्भगृह में धोती पहनकर ही आप प्रवेश कर सकते हैं। तो एक मंदिर परिसर है, यहाँ पर जो वस्त्र हैं उसी में आए। तो आपको लग रहा है कि श्रद्धालु इस मर्यादा का ख्याल रख रहे हैं जो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई इतने कपड़ों में आप लोग आएँ, तो इसको लोग मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, और वहाँ हमारे मंदिर में जो है अपना पूरा जो वस्त्र है निर्मित किए हैं वही पहनकर सभी आते हैं और धर्मस्थल है और वस्त्र पहन कर ही है। अगर मान लीजिए कि कोई स्लीवलेस पहन के कोई लड़की आ जाए, कोई महिला आ जाए, हम लोग बाहर से मना कर देते हैं। अगर कोई इस प्रकार के वस्त्र पहन के आती है तो हम कहते हैं बहन जी आप मर्यादित वस्त्र में प्रवेश करें, आपके लिए इस मंदिर में प्रवेश नहीं है। हमें उन भक्तों की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। जिस भक्त के कारण अगर हमारे मंदिर की मर्यादा अगर खंडित हो रही है हमें लग रहा है तो हम बिल्कुल उसको प्रवेश नहीं देते। हमने बाहर बोर्ड आप देखेंगे गेट पर भी बोर्ड लगा हुआ है, और मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ कि मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा, स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग उठते थे, सुबह उठे गाउन पहना, स्नान किया गाउन पहना पहन के आ गए जल चढ़ाने के लिए। कुछ हमारे पुरुष वर्ग थे उठे और बरमुडा पहना टी शर्ट पहनी आ गए। आज उन्होंने स्वयं जैसे ही हमारा बोर्ड लगा दूसरे दिन आप लोग के सहयोग से सब पूरे देश में मालूम, ये मुहिम संस्कृति बचाओ मंच ने भोपाल से प्रारंभ करी और पूरे देश में ये मुहिम चालू हो गई। दूसरी चीज नवीन जी मैं बात और कहूँगा, क्या आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 40% आबादी को दिक्कत है, ये युवा पीढ़ी होगी वो भी जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ पब और जो है हुक्का लॉन्च में ही जाते हैं, होटलों में डांस करने जाते हैं, मंदिर कभी जाते नहीं, उन्हीं को वस्त्रों से आपत्ति है, तो वही लोग हैं। आप मुझे बताइए साउथ में आप जाके कह सकते हैं कि साहब यहाँ पर आप ये दीपक की रोशनी क्यों कर रहे हैं? आपने देखा बालाजी में आप जाएंगे तो दीपक एक जलता है, उस दीपक को ऐसे घुमाया जाता है और उसी समय दर्शन होते हैं, वो दीपक की रोशनी में ही दर्शन करना है आपको। आप कह दीजिए साहब कि मैं हेलोजन दे रहा हूँ आप तो लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे, वहां की मर्यादा है। साउथ में आप देखेंगे बिगर धोती के आपको प्रवेश नहीं होगा। भस्म आरती में आप कभी सम्मिलित हुए होंगे, और मैंने आपको देखा है कि कई बार सम्मिलित हुए, क्योंकि आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको कैमरा लेके भी जो है गर्भगृह में अगर जाएंगे तो कैमरा लेके भी आप होंगे मीडिया के, लेकिन बाहर आप अगर धोती कुर्ता में होंगे तो ये माइक और कैमरा लेके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। तो ये हमारी जो मर्यादाएं हमने निश्चित करी उन मर्यादाओं को निश्चित रहना पड़ेगा और उसको लागू करना पड़ेगा, तभी हमारे संस्कार हमारी संस्कृति हमारी सभ्यताओं को आघात नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल हमारे साथ, चूंकि जिस मंदिर में खड़ा हूँ ये संस्कृत विद्यापीठ भी है, और मेरे साथ एक छोटे पंडित जी हैं जो यहाँ पे शिक्षा हासिल करना है। आप ड्रेस कोड को लेकर जो श्रद्धालु हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके कपड़ों को लेकर बहस हो रही है कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपको धोती कुर्ते में, धोती में है, बढ़िया टी शर्ट पहनी हुई है आपने राधे राधे, तो क्या लोगों को आपत्ति हो रही है आप लोग के इस निर्देश से? मेरा कहना यही है कि अब जैसे अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण जैसे गुरुजी ने बताया कि डॉक्टर रहते हैं वकील रहते हैं, इनके जैसे वकील उसकी काले कोट से पहचान है, डॉक्टर है उसकी सफ़ेद कोट से पहचान है, ऐसे ब्राह्मण है जो उसकी धोती कुर्ते से ही पहचान है। अगर अब जैसे हम कहीं भी जाएं, यहीं मंदिर में रहते हैं तो अगर हम लोग धोती कुर्ता पहने रहते हैं तो मतलब लोग पैर पर नहीं आते, ब्राह्मण देव हैं। और अगर ये कहीं भी जींस कोट जैसे हमारी सिखा भी रहती है उसको देख के भी कोई भी इंसान रहे तो वो देख के यही बोलता है आप ब्राह्मण हैं। और अगर अब ये मतलब कुछ इस समय पर चल ही रहा है जी मतलब धोती कुर्ता छूट ही गया है तो किसी को ये पहनना पसंद ही नहीं है, लेकिन गुरुजी ने इस मंदिर में नियम बनाया है कोई शर्ट पहन के नहीं आ सका, तो ये सही भी है। यहाँ कोई अभी गुरुजी ने कहा कि अगर स्लीवलेस पहन के छोटे कपड़े पहन के लड़कियाँ आती हैं बाहर मंचले खड़े रहते हैं छिड़खानी होती है, लव जिहाद के केस बढ़ते हैं, जो गैर हिंदू हैं वो सनातन लड़कियों के साथ छिड़खानी करते हैं। वो गुरुजी ने बहुत सही कहा, ये तो कि अगर कोई आता भी है तो बोर्ड आगे भी लगाए और अगर कोई ऐसा आ भी जाए तो गुरुजी मना कर देते हैं, गुरुजी मतलब ये बोलते हैं कि आप अपने मर्यादित वस्त्र पहन के। अच्छा एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों को धोती कुर्ता जरूर पहनना चाहिए, अगर वो भले अज्ञानी हो लेकिन वो धोती कुर्ता पहनेगा तो ब्राह्मण होगा? हाँ, अब जैसे मतलब हम अपनी बता रहे हैं, हम जहाँ पर रहते थे
मेरी सिखाती, मैं धोती कुर्ता भी नहीं बनता अगर सिखाती, कहीं भी मैं जाऊँ अगर कोई देखता बोलता अरे पंडित जी आप ब्राह्मण है, मैंने बोला हाँ, मतलब ये ब्राह्मण की सिखा धोती कुर्ता ये पहचान है। चलिए बिल्कुल बहुत अच्छा। पंडित जी एक आखिरी सवाल ही बताइए, लव जिहाद की बार बार चर्चा हो रही है, क्या वाकई आपको लगता है कि छोटे कपड़े पहनने से लड़कियों को गैर धर्म के लड़के परेशान करते हैं और लव जिहाद के जो केस इतने मध्य प्रदेश में आ रहे हैं ये एक बड़ी वजह है? बिल्कुल सत्य बात। आप बताइए कभी किस साड़ी वाली महिला को किसी ने छेड़ा है क्या? नहीं, रेप बलात्कार छेड़खानी कपड़े देख कर? हाँ बिल्कुल सत्य। आप जब अपने अंगों का प्रदर्शन करेंगे, नुमाइश करेंगे, उनको दुनिया को दिखाएंगे, प्रभु ने आपकी रचना करी है, माता रूप में आपको पूजा जाता है, आपको बहन के रूप में पूजा जाता है, आपको कन्या के रूप में पूजा जाता है, लेकिन कब पूजा जाता है? जब आप उस मर्यादा में रहेंगी तब पूजा जाता है। आप अगर इस प्रकार के वस्त्र बिकनी पहन के अगर आप घूमेंगी तो आपको मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पर, अगर कन्या भोज हो रहा होगा और कोई हीरोइन आ जाए बिकनी पहनकर, तो क्या बिकनी पहनने वाली को मैं कन्या भोज में बिठाऊंगा? नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि हमारी जो माँ और बहन और बेटियाँ जो पूजी जाती हैं वो जब ही पूजी जाती हैं कि उनकी उस प्रकार की मर्यादाएं हैं, उस प्रकार के उनके वस्त्र हैं, उस प्रकार के उनके संस्कार हैं। जिनके घर में संस्कार नहीं होते वही उस प्रकार से, और मैं आपके माध्यम से, नवीन जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्सों से निवेदन करता हूँ कि चिंता करिए, रात में 2 बजे बच्ची किससे बात कर रही है, ऐसी कौन सी सहेली है जिससे दिन भर बात नहीं कर पाई, मोबाइल में क्यों घुसी हुई है, ये सब लव जिहाद के ही कारण है। और फिर जब लकीर सांप निकल जाता है, लकीर पीटते रहते, तब संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू संगठन मैदान में आकर मोर्चा संभालते हैं। बिल्कुल, आधी आबादी को भले आपत्ति हो सकती है मंदिर प्रबंधन के इस निर्देश से, लेकिन मंदिर प्रबंधन के लोग, यहाँ के छात्र जो शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ये ज़रूर कह रहे हैं कि मंदिर में कम से कम मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, लड़कियों को, और ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी पूरे कपड़े पहनकर आना चाहिए, ताकि मंदिर का माहौल स्वस्थ बना रहे, मंदिर की मर्यादा बनी रहे, देवी देवताओं की मर्यादा बनी रहे। और साथ ही साथ ये भी अपील कर रहे हैं पूरे देशवासियों से कि कम से कम मंदिर में बिकनी, शॉर्ट, स्लीवलेस या स्लीवलेस ब्लाउज, इस तरीके के कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश ना करें। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, खबर विभाग।